एक सेठ जी दान देते थे, अन्न का दान देते थे। उनके अंदर भावना थी कि मेरा नाम हो, लोग कहें कि दान दे रहे। अन्न के व्यापारी थे और जो साल में जो अन्न बचता था सड़ा गला उसी को भिजवाते थे। सेठ जी दान दे रहे, कहते हैं सेठ जी का लड़का बड़ा हुआ, घर में बहू रानी आई, संस्कारी थी, उसने भी देखा ससुर जी अन्न चित चलाते, मन में खुशी हुई। धीरे धीरे पता चला तो सड़ा गाड़ा अन्न ही वो ही बांटते हैं। थोड़े समय के बाद बहू ने घर में भोजन की व्यवस्था खुद संभाली। ज्वार का आटा जो सड़ा गला था उस बहू ने वो ही मंगवाया, उसकी रोटी बनाई, ससुर जी को परोस दी। ससुर जी ने जैसे एक ग्रास खाया, थू थू थू, बहू बेटे तूने क्या खिला दिया, ये तो सड़ा गला ज्वार है। बहू ने कहा पिताजी हम जो खाते हैं पूर्व जन्म में हम जो करके जाते हैं वो हमको मिलता है, और हम जो देते हैं और जो फिर ठाकुर हमको वही लौटाते हैं। बेटा मैं समझा नहीं। बाबूजी आप ही ज्वार की रोटी गरीबों को देते हैं बेचारे खाते हैं, और जब हम फिर जाएंगे ऊपर ठाकुर जी के पास तो ठाकुर जी हमको ऐसी रोटी खिलाएंगे, तो जब ऊपर जाके ही खानी है तो अभ्यास अभी से डाल लो ना, हमको यही खानी है आगे जाकर। बस सेठ जी की आंखें खुल गई। बंधुओं तुरंत वो सब फिकवाया, अच्छा सामान दान करने लगा। तो दान देने में व्यक्ति को संतोष नहीं होना चाहिए। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।